बिजनेस पांच मूल्यों पर आधारित है, नॉलेज, कौशल्य, ऑपरेशंस, कस्टमर सेवा और पूंजी। पैसे के बिना कोई भी बिजनेस करना असंभव है, पर बिजनेस के लिए पूंजी मिलना क्या आसान है, विशेषता ग्रामीण महिलाओं के लिए। महिलाएं अपने कार्य के बारे में, अपने बिजनेस स्थापन करने के लिए उत्साही हो सकती है। कई बचत गट की महिलाएं अपने बिजनेस द्वारा अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए इच्छुक रहती है, परंतु बिजनेस बढ़ाने के लिए उनके पास न राशि होती है न सपोर्ट। सरकार और RBI महिला बचत गट को ऋण देने के लिए प्राथमिकता दी है और सभी महिलाओं को सपोर्ट कराने का आदेश भी दिया हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऐसी बैंक है जो महिला बचत गट को सपोर्ट करने में अग्रेसर है और महिलाओं को बिजनेस स्थापन करने के लिए मदद करती रहती है। अपने CSR एक्टिविटी के तहत ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल स्थापित की है और उसके द्वारा महिलाओं को कौशल विकास करने में उन्हें सक्षम बना रही है। आज मैं आपके समक्ष मीरा महिला बचत गट की यशोगाथा बताने वाली हूँ। इन्हें बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल द्वारा लोनावला में अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापन करने के लिए मदद मिली है। आइए चलकर जानते हैं कि इन महिलाओं ने यश कैसे हासिल की है। नमस्कार, मैं लोनावला की मीरा महिला बचत गट के साथ बैठी हूँ। मेरे साथ है रेशमा जी, सरस्वती जी, नरगिस जी, दीपाली जी, रुखसाना जी और नफीसा जी बैठी हैं और हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्होंने अपना जो व्यवसाय है वो किस तरह से शुरू किया। तो रेशमा जी, आप बताएंगे कि आपने समूह की स्थापना कब की? हमने 98 में स्थापन करने के बाद आपका जो अनुभव है इतने सालों का, आप क्या क्या करती आई है उसके अंदर? हम लोग तो पहले परफ्यूम बनाते थे, फिर हम लोग ने 10 लेडीज लोग इकट्ठा किए और बैंक महाराष्ट्र के अंदर गए और उनको बोले कि हम लोग को अगरबत्ती का बिजनेस करना है, हमको लोन की जरूरत है। हम लोग से बातचीत किए, फिर 50,000 रुपए दिए और हम लोग गट के अंदर 200 रुपए महीना सब लेडीज लोग, 13 लेडीज लोग जमा करते, थोड़े उसमें के पैसे और 50,000 रुपए लाके 75,000 रुपए हम लोग ने मशीन लिए और हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट किए। हमारे घरों में तो अगरबत्ती इतना सुंदर आ जाता है, हम लोग जस निकाल के जला लेते, पर ये बनाने में कितनी मेहनत होती है और क्या क्या करना पड़ता है, आइए हम सरस्वती से पूछते हैं कि ये कैसे, किस तरह से बनाती है, अगरबत्तियां कैसे बनती है। हमें पहले 1 किलो से माल वजन करून घेते, वजन करून घेऊन मग 1 लिटर पाणी घेते, मग माल काढून घेते, पहिले पालून घेऊन, काढून घेऊन मग काड्या घालते अगरबत्तीचं, काड्या घालून मग ऑटोमॅटिक मग चालू झालं की मग मशीन मधलं अगरबत्ती निघते, मग ते काढून आम्ही सुकवायला पण घेतो, सुकायचं पण मशीन आहे, सुकून झालं की त्याला 1/2 किलोचं बंडल करून बांधून पॅक करून ठेवतोय, मग कधी ऑर्डर असलं की मग सेंड करून आम्ही बॉक्स मध्ये पण भरून असं ऑर्डर असलं की तिथं असं पोहचू बसू। एक कंपनी आहे जो हम लोग से 1 टन माल ले लेती है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 टन माल हो गया तो कंपनी को फोन कर देते हैं। तो 1 टन का आपको कितना आपकी आमदनी क्या होती है? हम लोग को 1 टन जब माल जाता है तो हम लोग को 30-35 हजार छोड़ते, सबको मिलके 30-35 हजार। तो आप लोग जो 10 महिलाएं हैं तो 1 महिला को 3,500 रुपए के करीब मिलता। तो आपका जो दुकान में मटेरियल जाता है तो वो थोड़ा अलग होता है, फिर हम लोग बॉक्स वगैरह जो दुकान वाले ऑर्डर देते फिर हम लोग बॉक्स वगैरह देते, फिर यहाँ के लोग भी आ जाते हैं हम लोग के पास, चाली वाले वगैरह, फिर वो लोग भी लेकर जाते हैं। तो आपका थोक व्यवसाय है और एक आपका जो आजू बाजू के लोग है वो भी करते हैं, दुकान वाले भी लेते। नंदी जी, आप लोग सब समूह में एक साथ है तो आपको क्या लगता है समूह में रहने के कुछ फायदे हैं या यूं ही समूह बन जाते हैं? जी मैम, आपका सवाल तो बहुत अच्छा लगा कि जैसे देखिए एक लकड़ी को हम सभी एक जन भी तोड़ पाता है, अगर लकड़ी का बंडल बनाते तो उसको कोई नहीं तोड़ पाता है, तो वैसे ही हमारे गट की खासियत है ये कि हम अकेले कुछ नहीं करते हैं, करता है पूरा गट मिलके करता है। तो आपको लगता है कि गट की ताकत आपके लिए? हाँ, एकता में काफी पावर होती है। मैं पूछना चाहूंगी दीपाली आपसे कि ग्रुप में आने की वजह से तो काम आप किस तरह से कर पाए और आपके परिवार में किस तरह से क्या फर्क हो पाया? मला बचत गटामध्ये येऊन खूप छान वाटतं। मी बचत गटामध्ये काड्या साफ करून देते, झाड पातळ असतील त्याच्यामुळे मशीन पण चांगली चालते आणि अगरबत्त्या पॅक करून देते। तर हे तर तुम्ही करतातच, पण तुमच्या घराचं तुम्ही कसं काय मॅनेज करतात? दुपारच्या टायमाला 1 ते 5 वाजेपर्यंत येऊन ते काम करते। बिझनेस, पैसा और बँक, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है।
तो आइए हम लोग पूछते हैं रुखसाना जी से कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इन्हें किस तरह से मदद की और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वजह से इनका बिजनेस किस तरह बढ़ा है। जी मैडम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो बहुत ही अहम रोल रहा है हमारी कामयाबी के पीछे, क्योंकि लेडीज कितनी भी टैलेंटेड हो, अगर उसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल सकता तो उसका टैलेंट बिल्कुल बेकार है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हमको एक रास्ता बताया और उसमें हमारे लिए काफ़ी आसानियां भी की, क्योंकि आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि लोन ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है और अनएजुकेटेड लेडीज़ के लिए तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हमारी बहुत ही हेल्प, क्योंकि उन्होंने हमारा टैलेंट देखा और वो देखकर वो टैलेंट को किस तरीके से आगे लेके जाना है, इसके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हमारी बहुत हेल्प की। हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के और महिला व बालक विकास मंडल के। आपको क्या लगता है बिजनेस बढ़ने में क्या क्या कठिनाइयां होती है? कोई भी बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए पहले तो ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक लेडीज अगर सोचे कि मैं कुछ बहुत अच्छा अचीव करूं तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, तो ये 13-15 जो लेडीज़ एक साथ आती है और ये सबके पास एक अलग अलग टैलेंट है, कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है, कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, कोई पैकिंग अच्छा करती है, किसके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, तो ऐसा सब लेडीज़ जब मिल के एक साथ में आती है और ये गट के ज़रिए जब कुछ काम होता है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, तो फिर मीरा महिला बचत गट के जैसा बहुत ही अजीम कामयाबी जैसे हमको मिली है वैसा सभी लेडीज को मिल सकती है। वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर आपसे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ही आप लोग क्यों चले गए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन मिलने में आपको कैसे पॉसिबल हुआ, कुछ तकलीफ हुई या आसान था लोन मिलना बैंक ऑफ महाराष्ट्र से? जब उन्होंने हमें पता चला कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हेल्प कर रहे हैं, तो तब जब हमें अगरबत्ती का कारखाना डालना था तो हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गए, उनको बोला तो उन्होंने बोला कि आप ग्रामीण महिला बाल विकास के जो शिवाजी शिंदे हैं उनके पास जाओ, वो आपको आइडिया देंगे इसके बारे में। फिर हम उनके पास गए, उन्हीं से पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो जब उन्होंने हमें मतलब कर्जा निकालने में हमारी मदद की, डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपके सभी महिलाओं का, फिर वो हमारे पास आए, एक मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद में उन्होंने है तो बोला कि ठीक है आप सब अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, और फिर हमारे पूरा डॉक्यूमेंट्स का फाइल बनाकर शिवाजी सर लेके गए, उसके बाद में है तो वो डॉक्यूमेंट्स मतलब वो फाइल पास हुई, उसके बाद में हमारा कर्जा मंजूर हो गया। अगर अच्छे है ना कि वो खुद हम लोग को इधर आ गए थे। अच्छा, सही में लेडीज लोग करते हैं तो वो इतने खुश हो गए ना हम लोग का काम देख के, उन्होंने तुरंत हम लोग को बोले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट। हाँ, बहुत अच्छा सपोर्ट है, कभी भी गए ना तो मैनेजर हम लोग को बहुत मदद करते। अगरबत्तीच करायचं तुमच्या डोक्यात का आलं? दुसरे तो बहुत बिझनेस है ना, कशासाठी तुम्हाला असं वाटलं की अगरबत्तीचाच व्यवसाय? अगरबत्ती बिझनेस इसलिए मेरे को अच्छा लगा की आप लोग भी अगरबत्ती सुबह में उठे नहा के पूजा करने के लिए अगरबत्ती लेते हैं, हम लोग भी नमाज पढ़ते सुबह में फजर की तो हम लोग भी अगरबत्ती लगाते हैं, और जब हम लोग अगरबत्ती लगाएंगे तो सब भगवान को जाएंगे, और अगरबत्ती ऐसा बिजनेस है कि वो 12 महीने चलने वाला है, उसके अंदर कभी लॉस नहीं है, इसके लिए हम लोग को अगरबत्ती अच्छा लगा और खुशबू है। मैं आप लोगों के बच्चे इस बिजनेस करने की वजह से आपके फैमिली में कुछ फर्क पड़ा क्या, कि आपका जो रहने का तरीका बदला, कुछ अच्छा पॉजिटिव? मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, मेरा खुद का घर भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट की ना तब, फिर बाद में वो सर आए मेरे को बचत गट खोलने को लगाए, बचत गट खोली में पहला स्टॉल मेरे को उन्होंने 8 दिन किया था भीमथड़ी के अंदर दिए, भीमथड़ी में स्टॉल लगाया मेरा पहला नंबर आया, और मैंने उधर सिर्फ 800 रुपए लगाई थी, उसके अंदर मेरे को 8000 रुपए मिले। इसका राज क्या है कि आप इतने सफल हैं आज? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देखकर कि आज मैं जो भी हूँ ना तो सिर्फ बचत गट की वजह से हूँ, क्योंकि मेरे को पहले कुछ भी नॉलेज नहीं था और किसी को पता भी नहीं था कि मैं इतना सब करती, जैसा मैं स्टॉल लगाएंगा वैसे मेरे को आइडियाज मिलते गए, मैं एक से एक अलग अलग चीज बनाते गई, अगरबत्ती, परफ्यूम, कपड़े का साबुन, नहाने का साबुन, हैंड वॉश, फिनल, यानी पूरे ऐसे मैं 100 आइटम बना सकती हूँ, यानी हर एक आइडिया से मैं लेते गई, परफ्यूम, वाटर परफ्यूम, रूम फ्रेशनर, वैसे जैसा बढ़ते गई वैसे स्टॉल वगैरह पे जाते गए, मेरा जैसा स्टॉल पे मार्केटिंग अच्छी होने लगी वैसा फिर मेरा उत्साह बढ़ते गया करने का। कहते हैं हर सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, यहाँ महिलाओं के साथ में एक पुरुष है, शिवाजी, शिवाजी जिनका नाम दिया जा रहा है। आइए बात करते हैं शिवाजी से कि इनका क्या सपोर्ट रहा है इस प्रोग्राम में। नमस्ते मैडम, माझे नाव शिवाजी हनुमंत शिंदे, मी 2008 पासून बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुरस्कृत ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडळ या संस्थेचा मावळ तालुका समन्वयक म्हणून काम पाहत आहे। प्रत्येक महिलेच्या घरी जाऊन त्यांना महिला सक्षमीकरण करणे हे माझे काम आहे।
बचत गट चालू करून त्यांना त्याच्यातून उद्योग व्यवसाय चालू करून देणे आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देणे, कमी व्याजदरामध्ये कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्यांना व्यवसायाला मदत करणे हाच माझा उद्देश आहे। त्यासाठी मला बँक ऑफ महाराष्ट्र लोणावळा शाखा आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र पुरस्कृत ग्रामीण महिला बालक विकास मंडळ या संस्थेचे सर्व कार्यकर्त्यांचे मनापासून आभार। आवर बँक हॅज रिसीव्हड 2 अवॉर्ड्स फॉर SHG's परफॉर्मन्स ऑफ फिनान्शियल इयर 2018-19, दॅट इज नॅशनल अवॉर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट न्यू दिल्ली फॉर सिक्युअरिंग 3rd पोझिशन अमंग्स PSBs ऑन ऑल इंडिया बेसिस and state level award from MSRLM Maharashtra for securing 2nd position amongst PSPs. Bank is actively playing role for SHG members development by way of financing through credit linkages as well as imparting training through MSRTs and holding them for sale of their products and guiding for their overall development through GMBVM trust. Swam Swayata Samuh ki baat karte hain, hamara target tha 156.38 crore और हमने डिसबर्स कर दिया 233 करोड़, मतलब कि हमने अपने लक्ष्य को भेदा, क्योंकि हमें एक प्रेरणा मिली इन लोगों से कि इनके अकाउंट्स में NPA नहीं होता है, इनका रख रखाव खातों का चाल चलन बड़ा अच्छा रहता है। एक और प्लस पॉइंट हमने देखा कि जो ये खाते खोलते हैं इन खातों के द्वारा ही ये लेन देन करते हैं। हमने 15,470 स्वयं सहायता ग्रुप को अभी तक हमने पोषित कर दिया है, जिसमें हमने 255 करोड़ का लक्ष्य रखा था, जिसको हम 100 करोड़ से को पार कर चुके हैं और आने वाले जो बचे हुए महीने में हम इसमें भी अपने टारगेट को भेदेंगे। जहां महिला सशक्त वहां देश सशक्त, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये दृढ़ निश्चय है कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वजह से ही यह संभव हुआ है। मुझे आशा है कि महिला ही नहीं बल्कि सभी बैंक इससे प्रेरित होकर महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। महिलाओं की लगन व मेहनत ही उनके सफलता का कारण है। महाराष्ट्र और भारत में ऐसे कई नीरा महिला बचत गट है और उनके बनाए हुए वस्तु हैं, उन्हें खरीदें और उन्हें प्रोत्साहित करें और वोकल फॉर लोकल को सार्थक बनाने में हमारी मदद करें। हमारा उद्देश्य ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाना है। जल्द ही सफलता की नई कहानी लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।